शिल्पी और आप देख रहे हैं शिल्पी की रसोई। आज मैं झटपट से बनने वाली भुजिया लेकर आई। यह है मूली का पत्ता, इसको मैंने धोकर अच्छे से काट लिया छोटे छोटे पीस में। बहुत ही फ्रेश पत्ता था दोस्तों, इसलिए मैं ली हूँ। तो इधर मूली, इधर दो बड़े साइज का आलू देख सकते हैं, सभी को मैंने छोटे छोटे पीस में स्लाइसेस में काट ली हूँ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये रेसिपी। अगर आप नए हमारे चैनल नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा मूली, 1 किलो मूली था हमारा, तो मैंने आधा किलो से भी ज़्यादा पत्ता ही निकला था उसका, और 1 पाव का करीब हमारा मूली था और 1 पाव आलू। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सभी को हम एक साथ डाल देंगे। तो मैंने सभी चीज़ को एक साथ डाल दी दोस्तों। हम पीछे से तड़का लगाए, मतलब पीछे से मैं छौंका लगाऊंगी। जो पीछे से छौंका लगा हुआ बनता है दोस्तों, वो खाने में बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। हम तो बार बार भून कर बनाते हैं, लेकिन एक बार हमारे इस तरीके से देसी तरीके से बनाकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। हम पहले भूनते हैं दोस्तों, पत्ती गल जाता है और सारे सब्जी में पानी छोड़ देता है, इससे सब्जी हमारा टेस्टी नहीं बन पाता है दोस्तों। इसीलिए आप एक बार हमारे इस तरीके से बनाकर देखिएगा। तो मैंने सभी चीज़ को डाल दी हूँ, अच्छे से हम इसको चला लेते हैं ऊपर नीचे करके। चलाने के बाद दोस्तों हम इनको ढक देंगे। नमक वगैरह हम नहीं डालेंगे, सिर्फ हमको 1 से 2 मिनट अच्छे से भूनना है, ताकि हमारा आलू और मूली अच्छे से सीज जाए और पानी जो है ये पत्ता का पानी, साग का अच्छे से पानी निकल जाए। बस इतना ही हमें इनको पकाना है। तो मैं इनको ढक देती हूँ जब तक हमारा पानी ये सब गल कर थोड़ा सा ना हो जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर 2 से 3 मिनट बाद। 2 से 3 मिनट हो गए और सारे पत्ते गल गए हैं, देख सकते हैं। तभी हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, नमक हम थोड़ा सा कम ही डाल रहे हैं अभी, क्योंकि पानी है ये सूख जाएगा। उसके बाद सारे मसाले, इसमें प्याज लहसुन छोड़ के सारे मसाले हैं, धनिया, जीरा, सरसों, काली मिर्च, अदरक, ये सब उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बाद में भी हम नमक डालेंगे क्योंकि अभी पानी है, देख सकते हैं, अच्छे से चला लेते हैं। सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं ढकूँगी, ताकि मसाला वगैरह हमारे अच्छे से पक जाए। सिर्फ 1 मिनट के बाद हम इसे देखकर बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे। देख सकते हैं सारे पानी हमारे सूख गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ एक अलग बर्तन में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छे से ये हो गए, इधर मैं देख सकते हैं निकाल के रख दी हूँ। और इधर मैं कढ़ाई को धो के अच्छे से गर्म करने के लिए, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो गया क्योंकि कढ़ाई चढ़ा दी थी पहले। उसके बाद इसमें थोड़ा सा जीरा और कलौंजी। जीरा मैंने बड़ा साइज़ का लिया है, दूसरा क्वालिटी का, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए अब दो हरी मिर्च। मिर्च वगैरह अच्छे से चटक गए हैं। आप इस टाइम नमक दे सकते हैं, थोड़ा देर हम इनको ढक देंगे। अब मैं इनको चला लेंगे, ढक्कन हटा देती। और देख सकते हैं हम इनको कढ़ाई के चारों तरफ फैला कर हम इनको अच्छे से भून लेते हैं, मतलब इनको थोड़ा सेक लगा लेते हैं करीब 4 से 5 मिनट, धीमी धीमी आँच में 4 से 5 मिनट हमको बिना ढाके धीमे धीमी आँच में, ताकि साग हमारा साग वगैरह अच्छे से थोड़ा सा खिला खिला सा हो जाए, बस इतना है। 5 मिनट बाद मैंने इनको भून लिया और देख सकते हैं हम इनका कलर। तो मैं आपको प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ, एकदम बनकर तैयार है दोस्तों। आलू वगैरह तो पहले ही सीज गया था, देख सकते हैं। मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, आलू मूली और मूली का पत्ता का सब्जी भुजिया बनकर तैयार है। रोटी, चावल, पराठा, पूरी, किसी भी चीज़ के साथ खाइए दोस्तों, इतना अच्छा लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। उस तरीके से तो आप बहुत बार बनाते हैं दोस्तों, एक बार इस तरीके से बनाकर टेस्ट करके देखिएगा, इतना पसंद आएगा आपको कि हर बार आप इसी तरीके से बनाएंगे, वो तरीका आप भूल जाएंगे जब ये तरीके से आप एक बार बनाएंगे। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।